स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग जैसा कि आपको पता है आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमें एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करने ओके सो दिस वीडियो विल बी अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पर बढ़ने से पहले आगे जाने से पहले हम चैप्टर की चेकलिस्ट को देखते हैं कि हमें कितनी चीजें क्लियर हुई हैं ठीक है थीके? तो हमने क्या मैप्स और ड्रॉइंग ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस हमने ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ये मैप शोज नैचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अब जो मैप है वो हमें ऐसे फीचर्स दिखाता है जो कि हम धरती से मतलब जो जमीन का लेवल है उससे बहुत ज्यादा ऊंचे हाई अब से देख सकते हैं ऐसी चीजें दिखाता है ये मैप यूजली हैज अ कंपस रोज टू शो द फोर कार्डिनल डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ येस डिफरेंट कलर्स एंड सिम्बल्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स सच एज माउंटेन्स रिवर्स सिटीज पोर्ट्स एंड बोर्डर्स ऑन अ मैप इज इट ट्रू येस वी हैव डर्न दैट अ लेजेंड और की एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स एंड कलर यूज ऑन मैप क्या लेजेंड है वो हमें एक्सप्लेन करती है मीनिंग्स सिम्बल्स और कलर्स का हमने ये कंसेप्ट भी पढ़ा था देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मैप फिजिकल पॉलिटिकल एंड थीमेटिक येस ग्लोब शोज आज द ट्रू शेप ऑफ कंट्री कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ अर्थ यस ये सारे कंसेप्ट हमने आगे जो चैप्टर कंप्लीट किया उसमें इन सभी को पढ़ा हमने ओके okay? तो हम बात करते हैं अब एक्सरसाइजेज की एंड पहला हमारा है मैच द फॉलोइंग कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर कौन होता है मैंने आपको बताया था मैप को जो बनाने वाला होता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं ओके सो कार्टोग्राफर इज़ द पर्सन हु मेक्स मैप ओके कार्टोग्राफर इज ई वट इज कंपस कंपस इज ए डिवाइस यूज टू फाइंड मेजर डायरेक्शन कंपस एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay? वट इज़ जी पी एस जी पी एस जो है वो क्या है जी पी एस इज नोन एज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ओके तो जी पी एस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कार्डिनल डायरेक्शन वट इज़ कार्डिनल डायरेक्शन जो हमारी मेजर डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं जो कि क्या है साउथ ओके येलो जो येलो है येलो कलर मैप में डेजर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो इसका आंसर होगा सी ओके okay? बात करते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स की तो मैप मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन ए डैश सर्फेस जो मैप है वो अर्थ की ड्राइंग है कैसे सरफेस पे तो वो है फ्लैट सर्फेस पे एफ एल ए टी फ्लैट सरफेस पे ओके द वर्क ऑफ मेकिंग मैप इज़ कॉल्ड जो मैप बनाने का काम है अब यहाँ पे हमने पढ़ा था जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं अब जो उस काम को क्या कहते हैं उस काम को हम कहते हैं कार्टोग्राफी सी ए आर टी ओ जी आर ए पी एच वाई ओके बात करते हैं थर्ड इन द ब्लैंक्स की और डैश मैप शोज कंट्री सिटीज टाउंस एंड कॉन्टिनेंट्स तो ऐसा कौन सा मैप है जो ये सारी चीज़ें दिखाएगा तो वो है फिजिकल मैप पी एच वाई एस आई सी ए एल जो फिज़िकल मैप है वो कंट्रीज शो करेगा सिटीज टाउंस और कॉन्टिनेंट्स को शो करेगा ओके ए डैश मैप गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक और थीम सच एज वैदर तो वो कौन सा मैप होता है थीमेटिक मैप टी एच ई एम ए टी आई सी ठीक है जो थीमेटिक मैप है वो किसी एक सिंगल टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मोस्ट मैप हैव ए की और ए लेजेंड जो कि हमें हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग में मैप की ओके okay? अब बात करते हैं जम्बल्ड वर्ड की जंबल्ड वर्ड क्या होते हैं आगे पीछे करे हुए वर्ड्स को हमें अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जैसे आपको यहाँ पे पहले दिया हुआ है इसको बना कर मिला करके क्या बनेगा ये बनेगा लेजेंड एल ई जी ई एन डी ओके बात करते हैं सेकंड की तो सेकंड से क्या बन रहा है सेकेंड से बन रहा है सिम्बल एस वाई एम बी ओ एल एस ओके बात करते हैं थर्ड की तो थर्ड में हमें क्या दिख, में दिख रहा है थर्ड में हमें दिख रहा है डायरेक्शंस डी आई आर ई डी आई आर ई सी टी आई ओ एन ओके डायरेक्शन फोर्थ में हमें क्या दिख रहा है फोर्थ में हमें दिख रहा है स्केल एस सी एल ई स्केल ओके फिफ्थ में क्या दिख रहा है हमें फिफ्थ में हमें दिख रहा है ग्लोब जी एल ओ बी ई ओके सिक्स्थ में क्या दिख रहा है हमें सिक्स में हमें दिख रहा है मैप एम ए पी ओके okay? बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तो ट्रू एंड फॉल्स में आपको जो स्टेटमेंट सही लगती है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो गलत है उसके लिए आपको एफ लिखना है अ मैप दैट शोज फिजिकल फीचर्स इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप जो फिजिकल फीचर्स को दिखाएंगे क्या वो थीमेटिक मैप होते हैं नो द लेजेंड ऑफ अ मैप स्टेट वट द मैप शोज तो लेजेंड वो शो करती है कि मैप क्या दिखा रहे हैं नो no, वो तो हमें हेडिंग शो करती है तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स अ मैप कैन गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट एरिया ऑन अर्थ तो मैप जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है स्मॉलेस्ट एरिया की तो हाँ ट्रू द कलर ब्राउन इज यूज टू शे माउंटेन्स ऑन अ मैप जो ब्राउन कलर है क्या वो माउंटेन्स को शो करता है तो यस yes, ट्रू लार्ज स्केल मैप शोज अ लोट ऑफ डिप्टेल्स अबाउट अ लार्ज एरिया नो जो लार्ज एरिया मैप हैं वो स्मॉल एरिया के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते ओके okay? तो आप बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तो वाई डू कार्टोग्राफर्स यूज सिम्बल्स ऑन मैप जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो सिम्बल्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके मैप से जैसे अगर हमें क्रॉस का साइन उसने यूज़ कर रखा है वट डज़ दैट सिम्बल सिग्निफाइज वो सिम्बल सिग्निफाई करेगा कि वहाँ पे आसपास कहीं पर चर्च है लेकिन अगर उसे बनाना होता तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता इसीलिए कार्टोग्राफर्स जो हैं, वो सिम्बल्स का यूज़ करते हैं टू शो डिटेल्स ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ओके वट इज़ अ लेजेंड लेजेंड क्या होता है लेजेंड लेजेंड वो होता है जो साइंस और सिंबल्स को एक्सप्लेन करता है ठीक है व्हाट इज़ अ फिज़िकल मैप फिजिकल मैप वो होता है जो फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेंस रिवर्स को शो करता है व्हाट इज़ अ ग्लोब ग्लोब इज़ ए मैन मेड मॉडल ऑफ अर्थ मतलब एग्जैक्टली वैसा ही मॉडल जैसा कि हमारी अर्थ है ओके टू एडवांटेजेस ऑफ मैप ओवर ग्लोब पहली एडवांटेज अगर हम देखें तो ये है कि वो बहुत एक टाइम पे मैप में हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं है ठीक है दूसरी ये है कि मैप हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कहीं पर भी लेके जाने के लिए लेकिन ग्लोब के केस में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेकर कैरी करना ओके तो यहीं तक आपका चैप्टर और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अपनी नोटबुक में करनी है ओके okay?